लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही सभी पार्टियों के प्रचार प्रसार की तैयारियां और तेज होती जा रही हैं। इसी बीच को मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के प्रवास पर मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे थे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रचार शुरू कर दिया। यहां वह छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल भी हुए। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश। इसके बाद यहाँ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी पर शामिल होने की अटकलों पर भी बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा के मोदी के कांग्रेस साफ करने के बयान पर भी जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जाने क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय। सिंह वर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी गंगा की सफाई करने निकले थे, कांग्रेस के सफाई अभियान में जुट गए। अब देखिए ऐसा है कि सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे तो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लो। तो हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं है उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। छिंदवाड़ा प्रदेश का बहुत ही आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र रहा, इसे विकास की बहुत संभावना है, पर एक ही परिवार लगातार यहाँ पर जीत कर तो जाता है, पर छिंदवाड़ा का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस माटी के लाल को नेतृत्व मिले। और आज हमने चुनाव का शंखनाद किया है, भाई बंटी साहू के समर्थन में आज सभा ली। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हवाई और हेलीकॉप्टर वाले लोग बहुत आ रहे थे, पर हमने उनके लिए दरवाजे बंद रखे। और आज आपने देखा गरीब आदिवासी हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। और आने वाले 5 वर्ष में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि गरीब शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। इस 5 वर्ष में इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाएंगे कि गरीब शब्द ही भारत के डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? उनको जो बिल्डिंग चल रही है उसमें यही चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से लाए उम्मीदवार। जबलपुर में लखन घनघोरिया चुनाव लड़ने तैयार नहीं है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं और को लड़ने को तैयार। छिंदवाड़ा मिशन 29 पे भाजपा लगी हुई है, छिंदवाड़ा रोड़ा बनती है हमेशा, इसको कैसे? बिल्कुल नहीं, अब की बार शुरुआत ही छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा सीट इस वक्त प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी और जरूरी सीट बनी हुई है। बता दें कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में यह एमपी की 29 सीटों में से एक लौती ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी को कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार यहां से कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देकर छिंदवाड़ा सीट अपने नाम कर ली थी। इस बार फिर से कांग्रेस ने नकुलनाथ पर भरोसा जताते हुए उन्हें छिंदवाड़ा सीट के लिए चुना है। वहीं बीजेपी ने नकुलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा से इस बार का चुनाव मुकाबला देखने लायक होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार यहां बीजेपी का जलवा देखने को मिलता है या फिर यहां कांग्रेस का ही राज होगा। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।